गुलबर्गा शहर में मौजूद एक बरहाना दरगाह के करीब वक्फ प्रॉपर्टी पर कुछ महीने पहले संगोली रायन्ना का स्टैचू लगाया गया है। स्टैचू लगाने के बाद अब दरगाह रोड का नाम तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ और दीगर मजलिस के कारकुनानों ने सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को मेमोरेंडम सबमिट कर दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी पर लगाए गए संगोली रायन्ना स्टैचू को हटाकर किसी और जगह शिफ्ट करने की मांग की है। अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने कहा, गुलबर्गा शहर में कई रोड और सर्कल्स वीरान पड़े हैं, कहीं भी संगोली रायन्ना का स्टैचू लगाया जा सकता है। 800-900 साल पुरानी तेग बरहाना खदीम दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी पर इस तरह स्टैचू लगाकर रोड का नाम तब्दील करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेग बरहाना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के करीब संगोली रायन्ना का जो स्टैचू है, हम उसका ऑब्जेक्शन फाइल किए। सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर के पास हम वो ऑब्जेक्शन फाइल किए। हम चाहते हैं कि वो तेग बरहाना रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे वो रोड है और वहाँ की पूरी जगह है, तो वही नाम रहेगा वहाँ पे। जब तक वो दरगाह है वहाँ, जब तक ये नाम रहेगा, मैं आप तमाम ऑफिसरों से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पे नया कोई इशू मत बनाइए। अभी जो स्टैचू लगाए हैं संगोली रायन्ना का, हमें उनसे थोड़ा भी एतराज़ नहीं है वो स्टैचू से। हम जिस जगह लगाए हैं वो जगह का एतराज़ है, क्योंकि वहाँ पे 800-900 साल से वो बारगाह है, वो बारगाह का नाम वहाँ रहना चाहिए, वो बारगाह के ही नाम से वो एरिया जाना जाता है। इसीलिए उसमें नई चीज़ अगर कोई ऐड कर रहे हैं तो वो काबिल कबूल नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज हम तमाम हमारे कार्यकर्ता और तमाम हमारा ग्रुप पार्टी के जानिब से हम ये मेमोरेंडम दिए हैं। ख़ासकर ये हमारा मेमोरेंडम इसलिए दिए हैं कि ये आगे ये निज़ा ज़्यादा नहीं लोगों में आना, निज़ा नहीं फैलना। हम उम्मीद करते हैं कि सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर से के वो स्टैचू को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह जहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है कॉरपोरेशन के जानिब से पूरे स्टैचू लगाने का, वहाँ पर अगर लेकर गए तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और एक मैसेज गुलबर्गा के अंदर अच्छा रहेगा।